मतलब ये तो मतलब पूरे पहाड़ों में कहीं लाइट ही नहीं है, रोड लाइट से भी है। ले से सर RJ14। सो गाइस शाम के 5 बजने वाले हैं और हम लोग सरचू पहुंच चुके हैं और यहां से मनाली लगभग 176 किलोमीटर है। अब तक का सफ़र रहा बहुत कठिन, बहुत सारे ऐसे पासेज आए जो कि हाई थे और सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। सरचू पहुंच के लद्दाख ख़त्म, अब चालू हो गया है हिमाचल। अब हिमाचल में हमारा आज का मूड यह है कि हम लोग जाकर के मनाली रुकेंगे और मनाली जाकर स्टे करेंगे। हमें लगेंगे 3 से 4 घंटे और, चलो रास्ते में मिलते हैं। तो गाइस हम लोग बढ़ चले हैं 12 लाचला की तरफ। सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हैं वो लद्दाख टेरिटरी है। 12 लाचा पास जाने के लिए अल्टीमेट रोड है, क्योंकि देखिए ये मिलिट्री कैंप का एरिया है। यहाँ पे पीछे सरचू में अभी मिलिट्री कैंप था और इसी वजह से इसको दुरुस्त रखा गया है पूरे हाईवे को। मस्त वाला हाईवे, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, बीच में ये स्ट्रेट हाईवे है और सामने 12 लाचा पास है जहाँ पे बर्फ़ पड़ी है। भाई साहब डेडली वाटर क्रॉसिंग आ गया है। इस तरफ से आऊं या इस तरफ से, इधर से? दोस्तों ये आश्चर्यचकित कर देने वाला नज़ारा आप लोग देख रहे हैं 12 लाचा पास से, और 12 लाचा पास लाइफलाइन है लद्दाख और ले मनाली हाईवे की। अगर ये पास बंद रहता है तो लगभग सारे काम बंद हो जाते हैं और आज उसी पास को हम लोग फतेह करने जा रहे हैं। आज फाइनली हम लोग घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। 16,040 फीट जी एक नंबर नहीं है, ये एलिवेशन है 12 लाचा पास का। वही 12 लाचा पास जो साल के 6 महीने बंद रहता है लगभग 40 से 50 फीट ऊंची बर्फ की दीवारों में, और आज आपका भाई इस 12 लाचा पास को विंटर्स में कंप्लीट करके वापस अपने घर की तरफ जा रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कोई और जगह नहीं, ये सूरज ताल है। जी हाँ, वही सूरज ताल जो हम लोगों ने अप्रैल में करने की कोशिश करी थी मगर रास्ता बंद होने की वजह से हम नहीं कर पाए थे, तो फाइनली आज हमारा सूरज ताल भी हो चुका है। शाम के 6 बज चुके हैं, 12 लाचा हम क्रॉस कर चुके हैं, सूरज ताल हम क्रॉस कर चुके हैं। अब बढ़ चले हैं हमारे कदम दारचा की तरफ। दारचा क्रॉस करने के बाद में लगभग मनाली हम पहुंच जाते हैं। 100 किलोमीटर के आसपास का सफ़र और रहता है जो कि हाईवे है। दोस्तों शाम के 6:30 बज चुके हैं और अभी भी हम लोग दारचा नहीं पहुंचे हैं। अभी जिंग जिंग बाहर आया है और कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, मतलब ये तो मतलब पूरे पहाड़ों में कहीं लाइट ही नहीं है, रोड लाइट्स ही नहीं है। रोड लाइट्स तो एटलीस्ट होनी चाहिए, कोई रात में आ रहा हो तो फंस जाए बेचारा। पूरे रास्ते में गए रोड लाइट्स नहीं है। हम पहुंच गए हैं जिंग जिंग बार, अब यहाँ से दारचा फिर मनाली। रात बहुत हो गई क्योंकि पहाड़ों में जल्दी रात हो जाती है। अटल टनल है 91, पतिसो है 9 किलोमीटर्स, दिल्ली है 664। गाइस हम लोग दारचा पहुंच गए हैं। शिंकुला के लिए ये रास्ता जा रहा है, 12 लाचला के लिए ये। ले 326 किलोमीटर यहां से है तो हम लगभग 326 किलोमीटर्स कर आए हैं। अभी देखते हैं होटल कहाँ मिलता है। ये दारचा विलेज है,
लेस है सर, RJ14 ZK54 49। क्या नाम है? गौरव।